देखिए तेल गर्म हो गया है, देखिए कितना थोड़ी सी तेल है, बिल्कुल 1.5 चम्मच के करीब तेल है। मैं पीली सरसों डाल देती हूँ, सरसों चटकेगा, मैं ढक देती हूँ। लाल मिर्च और तेज पत्ता डाल देती हूँ। लाल मिर्च थोड़ा हरी मिर्च डाल देती हूँ। हरी मिर्च थोड़ा भुजाने दीजिए, बहुत कम ही तेल में, कम मसाला में ही ये सब्जी बन जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। करते हैं आलू को मैं 8 टुकड़ों में काटती हूँ, ज़्यादा बड़ा बड़ा आलू नहीं काटना है। आलू में थोड़ा नमक डाल देते हैं, डालेंगे डाल देंगे नमक और उसको 5 मिनट के लिए डाल देते हैं। आलू बढ़िया से भुजा जाएगा, तब मसाला डालेंगे हल्दी। देखिए 5 मिनट हो गया है, अब इसको मैं चला देती हूँ। और आलू अभी फ्राई होगा तो आप भूनने देते हैं, 5 मिनट और ढक देते हैं। कसूरी मिर्च डाल देते हैं ब्राउन कलर के लिए, इससे ज्यादा तीखा कसूरी मिर्च नहीं रहता है। लाल मिर्च डाल देते हैं, हल्दी, एक टेबल स्पून लहसुन। मैं इससे 2 मिनट डाली हूँ, 1 टेबल स्पून है। उसको अच्छी तरह से भूनिए। मसाला भुजा जाएगा, टमाटर डालेंगे। एक बार ये ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है सब्जी। ये तीखा थोड़ा रहेगा तभी अच्छा लगेगा, खट्टा तीखा सब्जी। झटपट बनने वाला सब्जी है, फटाफट बन जाएगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं है। इसको कम तेल कम मसाला में आप ये सब्जी बना सकती हैं। आप चाहे तो जल्दी, बहुत जल्दी है तो केवल हल्दी लहसुन और मिर्च डाल के भी ये सब्जी बना सकती हैं, फिर वैसा भी टेस्टी लगेगा। थोड़ा काली मिर्च उर्च डाल देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो फटाफट बनाना हो हल्दी लहसुन मिर्च डाल के फटाफट बना सकते हैं। थोड़ी देर आग भजाएगा, टमाटर कद्दूकस करके डालेंगे तो वो और जल्दी बनेगा। कम तेल, तेल भी ज्यादा नहीं डालना पड़ता है। आलू में ऐसे ही कम तेल पड़ता है, कम तेल में भी बन जाता है। तो कम तेल मसाला लोग खाना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही बनाइए। तो देखिए भुजा गया है, थोड़ा तो नमक कम डाले थे, नमक भी डाल देते हैं। मसाला भूल गया है, देखिए साइड में हल्का हल्का तेल दिख रहा है, तेल का बुलबुला। ज्यादा तेल तो डाले नहीं है कि तेल साइड में दिखेगा, तेल का बुलबुला दिख रहा है। चलिए टमाटर आलू भुजा गया, मसाला भुजा गया, अब टमाटर डाल देते हैं। टमाटर डाल के थोड़ी देर भूज लेंगे। आपको मीडियम कर देते हैं तेल, तो
ये सब्जी का ग्रेवी थोड़ा ज्यादा रखिएगा तब चपाती खाने में अच्छा लगेगा। ये चपाती नहीं पसंद करते हैं लोग खाने के लिए। जो 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। आज को मीडियम पर रखिए, 5 मिनट के बाद फिर चलाएंगे। चलिए 5 मिनट हो गया है, देखिए टमाटर पूरा गल गया है, यानी कि टमाटर पूरा पक गया है। अब हम पानी डाल लेते हैं जितना ग्रेवी चाहिए। चलिए अब पानी डाल देते हैं। रोटी में तो थोड़ा ज्यादा ग्रेवी चाहिए, थोड़ी सी और मैं डाल देती हूँ 100 ग्राम के करीब। देखिए कितना टेस्टी है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी आपको अच्छा लगेगा। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है। आप जितना चाहे उतना तीखा डालिए, आप कम खाते हैं तो कम डालिए, मगर ये तीखा ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे बताइए कैसा ये सब्जी लगा, झटपट बनने वाली सब्जी है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।